नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो चाचा आचार्य भूषण कौशल और आज हम लेके आया हूं और मैं आज लेकर के आया हूं अदरक के बारे में बताने के लिए। अदरक जो कि आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपकी सेहत को अच्छी रखेगा। अदरक खाना क्यों ज़रूरी है? अदरक, हाँ, वही अदरक जिसको कूट के हम चाय में डालते हैं, सब्जी का अदरक, सब्जी वाला बेचता है जो अदरक, हाँ, उसको कूट के चाय में डालते हैं, चाय बड़ी टेस्टी हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है। उसको कूट करके भोजन में सब्जी दाल किसी भी चीज़ में छौंक लगाते हैं तो उसमें डालते हैं, जी स्वादिष्ट हो जाती है। ये अदरक क्यों ज़रूरी है और अदरक के लाभ क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि ये अदरक जो है ये मंगल ग्रह का होता है और मंगल ग्रह जो है ना पूरी पाचन शक्ति, पेट में जितनी भी पाचन शक्ति के लिए जो काम आने वाली जितनी भी पेट की आंतें होती हैं, आंतों को ठीक रखता है अदरक, क्योंकि वह मंगल का कारक है और आंतें भी मंगल है ना, अमाशय पकाशय बोलते हैं ना, खाना को पका देता है। अंदर हम क्या खाते हैं, हमारे अंदर आग होती है, खाना खाते हैं वो पकाता है उसको और उसमें से रस निकाल करके शरीर के खून को बढ़ाता है। तो इसमें प्रक्रिया में लाभ देने वाला अदरक होता है जो खाने को भी बहुत जल्दी हजम करता है और जो हमारी आंत की अतड़ियाँ हैं वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं। मंगल ग्रह का कारक होता है अदरक, मंगल ग्रह बलवान होगा इससे, इसको खाने से, और जब मंगल बलवान होगा तो आपका साहस बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, आपकी जो हिम्मत बढ़ेगी, आप रिस्क लेने लगेंगे, आपका आलस खत्म हो जाएगा है ना, और आपको जोश में आकर के काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम कर डालेंगे। मंगल जो हिम्मत भी देता है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए कि नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको फायदा देगा, अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। और ये कहते हैं कि मंगल अभी जो स्थिति में चल रहा है पंचांग में, तो उसी हिसाब से बहुत लाभकारी है इन दिनों में। इन दिनों में मौसम का बदलाव भी होने वाला है। मौसम के बदलाव में जो है क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आने पर बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे सरद गर्म होता है, जुकाम बुखार वायरल फीवर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस समय में अदरक का प्रयोग, थोड़ा सा अदरक का रस लेकर के और उसमें शहद में मिला करके चाटने से सेहत अच्छी रहती है, कोई मौसम के बदलाव का बुरा असर नहीं पड़ता, तो ये आपके लिए कहा जाता है। और मान लीजिए अदरक का प्रयोग आप बहुत दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। कर्ज कौन बढ़ाता है? मंगल ग्रह बढ़ाता है। मंगल अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके ऊपर कर्जे बढ़ जाएंगे, लोन बढ़ जाएगा बहुत सारा, तो और आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, सेहत ठीक नहीं रहेगी और आप बहुत डरपोक हो जाएंगे अगर मंगल अच्छा नहीं है तो। और साथ में आर्थिक सामाजिक संकट जो है आपको परेशान करेगा, बार बार कोई ना कोई शत्रुता करेगा, आपके काम बिगाड़ देगा, सब काम होता है तो आपके काम अगर बिगड़ जाते तो आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं हर घर में अदरक रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके घर में अदरक होगा वो फ्रिज में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बीच बीच में चाय में सब्जी में भी डाल सकते हैं, तो ये डाल करके खाने से अच्छा रहता है। और कहा जाता है कि अदरक जो है ना ये बड़ी काम की चीज़ है, ये इसको भगवान ने बनाया बहुत अच्छे लिए, क्योंकि अदरक जो है उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में ही पाया जाता है और ये जमीन के नीचे का एक कंदमूल फल होता है, जमीन के नीचे आता है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बीमारियों को भी ठीक करता है और बहुत सारे लाभ भी देता है। अदरक का प्रयोग करके आप जो है बहुत कुछ लाभ कमा सकते हैं। कहा जाता है अदरक को जब सुखा दिया जाता है, बढ़िया, मान लीजिए कोई अदरक का मौसम नहीं है, बहुत से ऐसी जगह पर होती है या अदरक जहाँ पैदा ही नहीं होता, वहाँ पे उसको सुखा के रखा जाता है और उसको सूखने के बाद उसका नाम रखा जाता है सौंठ, सुखा अदरक, उसका भी प्रयोग होता है, उसको भी कूट के ना पाउडर बन जाता है और अदरक का पाउडर आप डाल दीजिए। आजकल तो अदरक का पेस्ट भी बिकने लगा है, रेडीमेड ले आइए, उसका इस्तेमाल कीजिए और खाना हजम होगा, तरह तरह के पेट में रसायन पैदा होते हैं, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है,
इसकी जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो रासायनिक चीज़ें क्या क्या होती है इसमें? कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, आयरन जो खून को बढ़ाता है, कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस, आयोडीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरे शरीर को विटामिन मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, विटामिन सी भी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है इसको कूट करके सब्जी दाल में जरूर खाना चाहिए, उससे जो है बच्चों का शरीर मजबूत होता है, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती है, बच्चों के शरीर में खून बढ़ता है, ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये सौंठ है, सौंठ का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो क्या होता है, अब गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी के मौसम में लू चलती है और लू चलने से आदमी को बुखार हो जाता है, फिर सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना, क्योंकि अचानक धूप से आकर के पानी पीते हैं बच्चे भी, बीमार पड़ जाते हैं, या एसी में बैठे हुए अचानक धूप में चले गए, बीमार पड़ गए, लू लग गई। ऐसे में ये सौंठ बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म भी होता है और सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अदरक या सौंठ के बारीक चूर्ण लेकर के और उसमें तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, एक गिलास पानी डाल करके पानी को गर्म करेंगे, खौला देंगे थोड़ा, है ना, काढ़ा बना लेंगे और फिर दिन भर में आधा आधा कप सेवन करते रहो, दो बार तीन बार, तो ये जो है आपके लिए डिटरेंट का काम करेगा और आपकी जो बीमारी है या जो आपकी परेशानी है, हरारत है, शरीर में थकावट है, बिना मतलब के बुखार जैसी स्थिति हो गई है, लू लग गई है, इससे तुरंत आराम हो जाता है। तो अदरक का प्रयोग करें। लेकिन अभी क्या है कि हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, कील मुहासे होने लग जाते हैं, जिनको अगर इस तरह की शिकायत है तो भी आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है अदरक का हल्का सा उबाल कर पीस करके पिसी हुई अदरक का उपटन चेहरे पे लगाने से कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं, आप देखिए। और क्या कीजिए, रात में लगा के सो जाइए, सुबह धो डालिए, क्या दिक्कत है, और सेवन भी करें अदरक का और बहुत ही चेहरा सुंदर हो जाएगा उपटन लगाने से। अगर मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है ना, और लोन आप दे नहीं पा रहे हैं, ईएमआई बहुत बढ़ गई है, कर्ज लेना पड़ा है, बीमारी के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा, शादी के लिए आपको जो कर्ज लेना पड़ा, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, उसको जल्दी चुकाना चाहते हैं, तो अदरक का दान करना चाहिए। अपने ऊपर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके अदरक का दान करना शुरू करें, मंगलवार मंगलवार आपका लोन कर्ज जल्दी उतर जाएगा। इस तरह से आपने जाना कि अदरक के प्रयोग से कितना लाभ हो सकता है, इसका लाभ उठाएँ।